नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम दोपहर वार। वाराणसी में कमिश्नरी सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी और ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस दौरान उन्होंने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि बेईमान और भ्रष्ट ऑफिसर्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक पिछले दो सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने भ्रष्ट अफसरों को चिन्हित किया और कितने भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की? क्या भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ FIR लिखाई गई और जो पहले से ही भ्रष्ट अफसर की सूची में है क्या उनके खिलाफ सरकार ने सैंक्शन पास किया, यानी उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? या आज की जो तस्वीरें आ रही हैं, अधिकारियों को या पुलिस कर्मियों को सिर्फ सस्पेंड किया जाता है या उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाती है? ये बड़े अहम सवाल हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर प्रहार होगा, लगाम लगेगा, जीरो टॉलरेंस पर। वो कैसे लगेगा? वो फॉर्मूला आपके पास कैसे है? आप क्या करेंगे? कैसे चिन्हित करेंगे कि ये भ्रष्ट ऑफिसर है? कैसे आप जानेंगे कि ये भ्रष्ट ऑफिसर है? और अगर आप जानने के लिए इतने ही सजग हैं तो इस बाबत अब तक दो साल में कार्य क्या हुए, कितने लोगों को देखा गया, समझा गया कि ये भ्रष्ट ऑफिसर है, मानक क्या होगा, किस आधार पर तय करेंगे? क्योंकि बहस आज इसी पर है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कही थी, अधिकारियों को ये बताया था कि आप लोग अब सही से काम कीजिए। योगी की सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार लगा रही है, अब भ्रष्ट पुलिसकर्मी नहीं बचेंगे, ये भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था। ये समझना होगा कि आखिरकार क्यों कहा था। भ्रष्टाचार से कमाई संपत्ति अब जब्त होगी, ये भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार से कमाई जब्त हो जाएगी। तो इस बात को समझना होगा, सारी बातों को। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, बेईमान और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की संपत्ति जब्त होगी, ये कैसे होगी? साथ ही उन्हें बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा पुलिस फ्रंट फुट पर आकर अपराधियों पर कार्रवाई करे और थानों की जिम्मेदारी ईमानदार पुलिसकर्मियों को दी जाए। तो क्या अब तक जो जिम्मेदारी निभाई जा रही थी वो बेईमान पुलिसकर्मी थे? ये योगी आदित्यनाथ को कहना क्यों पड़ रहा है, ये बहुत समझने की बात। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बेईमान और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को जो संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची बनाई जाए। उन्होंने ये सारी बात काशी के दो दिवसीय दौरे पर उन्होंने ये बात रखी थी। तो बहुत समझने वाली बात है। पुलिस सुधार को लेकर योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी पहल है और पुलिस बैकफुट पर रहकर काम कर रही है क्या, ये भी समझना होगा। जनता की समस्याओं पर कार्रवाई ना करने वाले, इसके साथ ही साथ जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उन पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, यानी जिनकी सोच पहले की सरकारों से मिलती जुलती है, ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये बड़ी अहम बातें हैं। आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ को ये सब क्यों कहना पड़ा? भ्रष्ट अधिकारियों को VRS दिया जाए, इसे VRS पढ़िएगा, यानी उन्हें जबरन रिटायर्ड कर दिया जाए, चूंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और उन पुलिस अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए, उन पुलिस वालों को भी चिन्हित किया जाए जो लगातार काम करने से आनाकानी करते हैं, काम करने से बचते हैं, यानी सीधे आप ये समझ सकते हैं कि वो काम चोरी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया को ये सारी बातें कहनी क्यों पड़ी पुलिस अधिकारियों पर? चूंकि इसी उत्तर प्रदेश में भारत समाचार के दर्शकों ने कल दो तस्वीरें देखी। भारत समाचार ने देखा कि कैसे बदायूं में सड़क सुरक्षा के नाम पर यातायात सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, एक बाइक सवार को पुलिस वाले पिस्टल और राइफल की नोक पर उसकी चेकिंग करते हैं। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं, सामने आई थी, ये आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। और ये भी देखा कि कैसे एक बेगुनाह को गुनहगार बनाकर जेल भेज दिया गया। ये सब क्या है आखिर, इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है। आपने कैसे सतवीर को जाहिर बना के जेल भेज दिया, किस वजह से आपने भेज दिया, पशु क्रूरता के मामले में? और आप किसी की गाड़ी चेक कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं, तो क्या आप पिस्टल और बंदूक की नोक पर करेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं?
इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट हुए हैं। लगातार उन्होंने इस तरह की बात कही है। जो तस्वीरें देख रहे हैं काशी की तस्वीरें हैं और ये इसी बैठक की बात है जिस बैठक को मैं कह रहा हूं। ये काशी में योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी वाराणसी में और वहीं से उन्होंने कहा था कि जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं, भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए और ईमानदार पुलिस कर्मियों को ही थाना दिया जाए। ऐसे पुलिस कर्मियों को थाना ना दिया जाए जो पैसे लेते हैं, जो पैसे कमाते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा भी कई सारी बात कही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत ही कड़ा मैसेज है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और अब इसके बाद जो सवाल उठकर सामने आएंगे, जो हमारे सामने लगातार सवाल चल रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले आदेश यही दिया था कि जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भ्रष्ट संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, यानी जो उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति बनाई है उसको जब्त किया जाएगा। और 2 साल बाद भी ऐसा कहना पड़ रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है ये भी आप लोग समझिएगा। भ्रष्टाचार पर जिस तरह से लगाम लगाने की कोशिश है, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने की सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है, इसके मायने क्या है? क्या पुलिस के जो मुखिया हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं? चूंकि ये कहना पड़ा है और इस वक्त हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत, और पूर्व DGP हमारे साथ भी जुड़े हैं और साथ ही साथ सुब्रत त्रिपाठी पुलिस के आला ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि 2 साल बाद फिर से योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को कहा है तो क्या 2 साल के भीतर ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की लिस्ट बनकर तैयार कर दी गई है जो लगातार इस तरह काम करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे? कैसे आप ये करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, पार्टी और सरकार का एक ही ध्येय है कि कानून व्यवस्था और अपराध और साथ साथ ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। सभी विभागाध्यक्षों को ये निर्देश सरकार के आने के तुरंत बाद दिए गए थे। कई भ्रष्ट अधिकारियों के तुरंत ट्रांसफ़र भी किए गए थे। कुछ लोगों को सुधरने का मौका भी दिया गया था, जो सुधरे नहीं उनके ऊपर कार्रवाई भी करी गई थी। अब कार्रवाई का समय है। आपने देखा होगा कि हमने एक जेलर को और एक डिप्टी जेलर को सेवा से मुअत्तल कर दिया है। इसी तरह से राजस्व विभाग के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस के DGP को और उनके प्रमुख सचिव गृह को भी ये आदेश किए हैं मुख्यमंत्री जी ने कि भ्रष्ट अधिकारियों पे जिन पे भी जांचें चल रही हैं उनको अविलंब जो है जांचों को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाए। किसी भी ऐसे भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति को, चाहे वो उसका पैसे का भ्रष्टता हो, चाहे उसकी शासन के गलत कार्यों की भ्रष्टता हो, इन किसी भी ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें और उस पर दंडात्मक कार्रवाई करें। हम किसी भी हालत में ऐसे अधिकारियों के को प्रश्रय या किसी तरह की छूट कहीं से भी नहीं मिलने देंगे और ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार जनता के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को कैसे सुविधा मिले, जनता को परेशान जो भी अधिकारी करेगा और उसके खिलाफ मामले पाए जाएंगे, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई। वही तो आलोक जी आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे आप ये लिस्ट तैयार करेंगे और आपका क्या मानक होगा कि ये पुलिसकर्मी भ्रष्ट है, कैसे कार्रवाई करेंगे? चूंकि आपने ये 2 साल पहले भी कहा था और 2 साल बाद फिर से आप यही बात दोहरा रहे हैं। सर, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, माफ कीजिएगा, हर विभाग के काम करने की नियमावली बनी है। सरकार अपना टारगेट देती है, उसके आधार पर काम करती है। नियमों के विरुद्ध और जिसके खिलाफ शिकायतें और इस तरह के आचरण पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हम कर रहे हैं। इस तरह के कई अधिकारियों को हमने हटाया है, कई अधिकारियों को मुअत्तल किया है, कई लोगों की नौकरी से बर्खास्त किया है। ये सरकार की जो है ये बहुत बड़ी इस पर उपलब्धता है कि मैं कहूँगा, इसके पहले तो अधिकारी दूध पीते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। राजनीति का अपराधीकरण हो गया था। पुलिस के अधिकारी जो है थानों की बैठक दलाली करते थे, आज कहाँ पर हो रहा है बताइए? जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध पर नियंत्रण पाया गया है।
तो आलोक अवस्थी जी, अगर जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं तो फिर आप ही तो ये कह रहे हैं ना कि ईमानदार ऑफिसर्स को थाने दिए जाएं, तो अब तक क्या ये थाने बेईमान ऑफिसर्स के पास थे? आपने कहा कि ऐसी सोच वाले ऑफिसर्स को मौका दिया जाए जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, तो क्या इस प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी बात को नहीं सुन रहे, ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप, मैं फिर से शायद समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपको दोबारा से कहता हूं, जितने हमारे पास सूचना थी उन भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी पावरफुल पोस्टों से हटा दिया गया है जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे, लेकिन जिन पर हमने भरोसा किया है अगर उनमें भी ऐसे लोग पाए जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ अगर उनमें भी ऐसे लोग पाए जाएंगे तो उनको भी किसी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। आप इसको स्पष्ट रूप से, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, यानी बिल्कुल जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे उन सभी लोगों को हटा दिया गया है, आलोक अवस्थी जी ये कह रहे हैं, लेकिन जो नए लोग भी हैं वो नए लोग भी सुधर जाएं। सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सुब्रत जी, कैसे ये समझा जाएगा, जानने की कोशिश किया जाएगा कि फलाना ऑफिसर भ्रष्ट है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज की कर दी जाएगी या सस्पेंड किया जाएगा, कैसे ये समझा जाएगा? देखिए, भ्रष्ट की परिभाषा जो चाहे दिल्ली में कंपलसरी रिटायरमेंट हो रहा हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसको नापा जाता है कैरेक्टर रोल से। लेकिन कैरेक्टर रोल एक इतना भ्रामक शब्द है कि जब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी खुद भ्रष्ट होगा तो भ्रष्ट आदमियों का कैरेक्टर रोल इतना अच्छा होता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में एक IAS अफसर को 2G घोटाले में जब कन्विक्ट किया गया, कोर्ट से सजा मिली जैसे लालू को मिली है, तो तमाम IAS अधिकारियों का बयान आया ये तो प्रदेश के महानतम ईमानदार अधिकारियों में थे, इनकी चरित्र पंजिका बेदाग थी। जिनको कैरेक्टर रोल में बेदाग रहा है, आज तक किसी भी महाभ्रष्ट घोषित अधिकारी को रिटायर किया गया हो, आज तक किसी भी आदमी को जो दंडित रहा हो, कोर्ट से जिन लोगों को दंड मिला है उनका कैरेक्टर रोल उठा के देखिए, बिल्कुल पाक साफ मिलेगा। लिखने वाले जब वही, लिखाने वाले वही। रही बात कि कौन अच्छा बुरा है, नारायण दत्त तिवारी जी की और मायावती जी के जमाने में जो जांचे आदेश हुई, आज भी विभिन्न जांच एजेंसियों में, आर्थिक अपराध शाखा में, विजिलेंस में 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी जांचें पेंडिंग हैं। कई कई बार वे जांचें पूर्ण होकर के शासन में भेजी गई हैं और हर बार कुछ न कुछ आपत्ति लगा करके लौटा दी गई हैं। उन जांचों में केंद्रीय मंत्रियों के परिवार शामिल हैं, उन जांचों में विभिन्न मंत्रिमंडलों में शामिल हो चुके वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, तमाम सीनियर IAS IPS अधिकारी शामिल हैं, तमाम लोग ऐसे शामिल हैं जो कि अपने विभाग के विभागाध्यक्ष थे और हैं, और आज भी वे लोग महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बने हुए हैं। जांचें फाइनलाइज ही नहीं हो रही हैं और खाली इतना मिलान कर लिया जाए, बड़े गौर सुनिएगा जो लास्ट सेंटेंस में कह रहा हूं, खाली इतना मिलान कर लिया जाए कि सतर्कता विभाग में शासन में कितनी जांचें आदेश हुई हैं और कितनी जांचें विजिलेंस विभाग में हेडक्वार्टर में प्राप्त हुई है, तो जो असली मगरमच्छ थे उन्होंने इतना मैनेज कर लिया कि शासन से चली जांच विभाग में प्राप्त नहीं हुई, विभाग में प्राप्त हुई तो जिस SP सेक्टर को जांच करने को भेजा गया उसके पास प्राप्त नहीं हुई, और 2500 जांचें ऐसी मिलेगी जो अब तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, जो स्टार्ट होकर पूरी हो गई है, कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लंबित है, कोई तरह तरह की आपत्तियों में निबित है। मैं कहता हूं अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मानते टाइम प्रोसिक्यूशन सैंक्शन रिफ्यूज जाती है तो जांच एजेंसी के इंस्पेक्टर से लेकर DG कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपने क्यों झूठी जांच की, और अगर जांच सही है तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को जिस अफसर ने रिफ्यूज किया सचिवालय में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आधी से ऊपर महत्वपूर्ण जांचें जो रही है करोड़ों अरबों की, उनमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लगातार हर सरकार में रिफ्यूज होती रही है, और जिनकी जांचें पूरी हो गई हैं, सुन रहे हैं ना आलोक जी, अभी तक
प्रोसिक्यूशन सेक्शन लगातार हर बार रिफ्यूज होती गई। मैं आ रहा हूं आपके पास सुब्रत जी, आलोक जी सुन रहे हैं ना जी, बताइए। ये बहुत क्लियर कह रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनी थी 20 साल से, आज ही वो बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, वही चीजों को चला रहे हैं। देखिए सुब्रत जी इस प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और वो इस तरह की बात आज रिटायरमेंट होने के बाद जो कह रहे हैं, मुझे हैरानी है कि अगर वो नौकरी पर रहते हुए ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर ले गए होते तो मुझे बड़ा खुशी होती। लेकिन हमारी सरकार ने इस तरह के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुराना अपराध किया हुआ हो चाहे नया अपराध कोई करने के इसका विचार भी हो, हर एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का पालन करते हुए देखिए आलोक जी का जवाब देने का मौका दिया गया है। आलोक जी देखिए सर, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी तो ये सबसे पहला आदेश था जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही थी, ये पहली बातों में से एक था, तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे 10 पुलिस वालों पर आपने अब तक एक्शन लिया हो? क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा, अगर ये आपने कहा था और 2 साल फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं तो ये तो काम चलेगा नहीं ना आलोक जी, बताना पड़ेगा कि किन 10 पुलिस वालों पर आपने कड़ा एक्शन लिया। देखिए ऐसा नहीं है, हमने पुलिस के कई अधिकारियों पे एक्शन लिया है सर, वो मेरे तो सस्पेंशन हुआ ना, नहीं तो मैं आपको दे देता। वो सस्पेंशन हुआ सर, मेरी बात सुनिए ना, वो सस्पेंशन हो गया ना, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया होगा, बस इतना हुआ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुअत्तल की बर्खास्तगी भी हुई है सरकार में, पुलिस का कर्मचारियों पे भी बर्खास्तगी हुई है और अधिकारियों पे भी जो है कार्रवाई हो रही है, मेरा साफ साफ कहना है। तो सर इस तरह की कोई लिस्ट छूट नहीं दी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर आपने कार्रवाई की है तो इस तरह की लिस्ट डीजीपी ऑफिस से क्यों नहीं आई कि इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है इन पुलिस वाले की? इन 2 साल में तो पता चलना चाहिए ना, कम से कम 4 नाम सामने आ जाते, 10 नाम सामने आ जाते कि ये भ्रष्ट अधिकारी थे, इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है, बीजेपी सरकार के समय में जांच हुई, लेकिन सर वो डीजीपी ऑफिस से कोई लिस्ट नहीं आई ना सर। देखिए भ्रष्ट आचरण कई तरीके के होते हैं, आपराधिक आचरण भी होते हैं और आर्थिक आचरण भी होते हैं। आपराधिक आचरणों में हमने सजा दी है और आर्थिक जो अपराध जिन्होंने कर रखे हैं इनके खिलाफ भी जांच लंबी सर, एक छोटा सा केस मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा केस मैं आपको बताऊं सर, करती है मेरे पास अभी नंबर्स के आंकड़े नहीं, छपा चाहूंगा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए सर, मेरी बात भी सुन लीजिए एक मिनट सर, मैं आपको भी नंबर दे देता एक मिनट, मैं मेरे पास वो नंबर नहीं है सर, मैं चीजों को देखता समझता हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक पुलिस की गलती हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की, सतवीर नाम के शख्स को जाहिर बना के पशु क्रूरता नियम में उन्हें जेल भेज दिया और वो जेल में बंद है बेगुनाह, इस बात का खुलासा एक एडवोकेट कर रहा है, वकील कर रहा है, तो ये तो 1 साल पहले का मामला है ना सर, 2018 का, अब तो बेगुनाह जेल में है सतवीर, जाहिर बनकर जेल में बंद है सर, ये तो इसी समय पता चल रहा है ना सर। देखिए कोई भी बेगुनाह जेल में नहीं रह सकता है, जो भी हम लोग को जानकारी मिलती है सरकार तत्पर कार्रवाई करती है, यही पुलिस है जिसने इतना बड़ा कुंभ कराया, 24 करोड़ लोगों में जिन्होंने भाग लिया सर, मैं आपकी तारीफ करता हूं आलोक अवस्थी जी, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए, निश्चित तौर पर कुंभ कराया लेकिन अब कुंभ की बात नहीं कर रहे ना, आपने अगर प्रश्न किया है तो मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए, बिल्कुल सर अवसर है पूरा, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेहमान और, आप ही से बात कर रहा हूँ सर, मैं इसी पुलिस ने, हाँ सुन लीजिए, इसी पुलिस ने एक भी दंगा नहीं होने दिया प्रदेश के अंदर, इसी पुलिस ने अपराधियों को अपराध करने से माफी मांगते हुए चौराहों पे घुमाकर दिखा दिया है, इसी पुलिस ने अपराधियों को सरेंडर करके जेल में जाने के लिए मजबूर कर दिया है, और जिन्होंने भ्रष्टता करी है पुलिस से मुकाबला किया है, ऐसे 78 अपराधियों को काल कवलित भी होना पड़ा है, इसमें हमारे 5 से बहादुर पुलिस के जवान भी जो है शहीद हुए हैं, तो ये तो ये तो काबिले तारीफ काम है सरकार की मंशा आलोक जी जो है अपराध, ये काबिले तारीफ काम है आलोक जी, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, ये काबिले तारीफ आपका काम है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन सर अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं और 2 साल पहले आपने कहा था तो वो नहीं मिल रहे तो कैसे होगा? बेईमान अफसरों को थाना ना दिया जाए, क्या इन 2 सालों में बेईमान अफसरों को थाना दिया गया है? फिर से कहा जा रहा है ना सर, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं दिया गया है, कई ऐसे अधिकारी आज लाइन हाजिर पड़े हुए हैं, कई बर्खास्तगी की कगार पे पहुंच चुके हैं जिनके खिलाफ जल्द ही आपको सूची मिलेगी, इसलिए कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कोई भी जो काम में लापरवाही बरतने वाला अधिकारी है वो आज जिम्मेदार पोस्टिंग पर सरकार के नहीं है,
ये पिछली सरकारें नहीं थी जहाँ पे राजनीतिकरण हो गया था इन इन पुलिस अधिकारियों का, जो बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कहीं पे भी जो है कोई कार्रवाई नहीं करते थे, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता को किस तरीके से, बिल्कुल अच्छी बात है, जवाबदेह है और होना भी चाहिए। ये आपने कमिटमेंट भी किया था आलोक जी, आपने कमिटमेंट भी किया था। सुब्रत त्रिपाठी जी, ऐसी कोई लिस्ट आई है क्या आपके संज्ञान में है क्या? दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है धरातल पे निश्चित तौर पर कि भ्रष्ट ऑफिसर्स के खिलाफ इन दो जंगलराज नहीं है प्रदेश के अंदर। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, जंगलराज होना भी नहीं चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। सुब्रत त्रिपाठी जी, इन दो सालों में ऐसी कोई लिस्ट आपके पास है, ऐसे किसी पुलिस अधिकारी के नाम आपके पास है जो भ्रष्टाचार किए हो और जेल के पीछे हो? मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि जिन लोगों पर जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए कहा जाए, आपने क्या किया? मैं पूछ रहा हूँ, हमने जो किया इंटरनेट पर देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी नहीं हुआ, कितने वीआईपी आईएएस आईपीएस या मंत्री कितने कितने दिन सुप्रीम कोर्ट तक से बेल नहीं हुई, और आज तक सीबीआई की बेल पहले हुई, हमारी बाद में हुई। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गई है, मांगी गई है, इंस्पेक्टर से लेकर डीजी तक ने लिख दिया है कि ये जेल भेजे जाने लायक हैं, उनके लिए वे भेज नहीं सकते क्योंकि अभियोजन स्वीकृत नहीं है। अगर अभियोजन स्वीकृत मना की जा रही है तो या तो डीजी ने गलत जांच की है, आईजी ने गलत जांच की है, या तो उनको दंडित होना चाहिए, अथवा शासन के जिस आईएएस ने लिखा है कि अभियोजन स्वीकृत न दी जाए उसको दंडित होना चाहिए। दोनों में से कुछ नहीं हुआ है, सिंपली एक लाइन का आदेश चलाता है कि इस मामले में अभियोजन स्वीकृत नहीं प्रदान की जा रही है। जिस तरह की बात है, प्रश्न यह है, एक बार जांच एजेंसी ने अगर साबित किया। सुब्रत जी, आलोक जी की बात सुन लेते हैं, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं सुब्रत जी से आग्रह कर रहा हूँ, अगर वो बात कह रहे हैं कि सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है और अपराध जांच में उनके पाया गया है, वो ऐसे लोगों के नाम का उल्लेख करें या मीडिया के ऊपर, वो खाली इस तरीके से बिना नाम लिए सरकार के ऊपर कर रहे हैं। सुब्रत जी, देखिए आलोक जी, उनका सीधा ये कहना है, सुब्रत जी बिल्कुल एक मिनट सुनिए, सुब्रत जी आलोक जी ये कह रहे हैं, हाँ आलोक जी वो ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर से डीजी सीबीआई में, बोल लीजिए आप, ऐसे 50 अफसरों की सूची है, उन लोगों के नाम हर अखबार में छपे हैं, हर टीवी पर अखबार में छपे हैं। सुब्रत त्रिपाठी, आप नाम लीजिए सरकार के ऊपर, आप नाम लीजिए कौन सा अधिकारी ऐसा है जिसके खिलाफ जांच पूरी हो गई। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस तरीके से सरकार को बदनाम करने की साजिश मत करिए। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिस्टम पर आरोप लगा रहा हूँ। आप नाम लीजिए उसका खुल करके, यहाँ पर मैं सिस्टम पर आरोप लगा रहा हूँ, सिस्टम पर आरोप लगा रहा हूँ, नाम लेकर भरी पड़ी है, कार्रवाई नहीं हुई, किसी अधिकारी का उठा सकता है सरकार के ऊपर, किसी अधिकारी का नाम लेना डिफेमेशन है, किसी अधिकारी का नाम लेना डिफेमेशन है, जब तक कि कोर्ट में प्रमाणित हो जाए। आपके सतर्कता विभाग में सूची रखी हुई है, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई, मैं कह रहा हूँ एक आदमी का नाम नहीं है आपके पास, अगर ये सूची नाम याद है जो है कार्रवाई नहीं कर, 50 नाम याद है, अगर ये सूची गलत, अगर ये गलत हो तो मैं इसका दंड भुगत तक तैयार हूँ। गृह विभाग और सतर्कता विभाग से मांग लीजिए, गोपन विभाग से मांग लीजिए, नहीं बता पा रहे हैं, कम से कम 50 नाम दिखाए गए, अगर आप मीडिया पर नहीं बता, नाम बता पा रहा हूँ, आप सरकार नाम लेना जुर्म है, नाम लेना जुर्म है, आपके नामों पर उस पर कार्रवाई, आपको सरकार में जवाब तलब करें, ये नाम सरकार की गृह विभाग और गोपन विभाग की सूची में है, ये नाम हर अखबार में छपे हैं, चूंकि एक आलोक जी, सुब्रत जी कह रहे हैं नाम सरकार के पास है, आपके सामने दूध का दूध और नाम सरकार में है, दूसरे विभाग में है, गोपन विभाग में है, अधिकारी रहे, नाम लेना जुर्म है, आप डिफेमेशन का कानून खत्म कीजिए, और आप डिफेमेशन कानून खत्म कीजिए, बस अभी नाम लेना। इस तरह के बयान वो मीडिया पर आकर के दे रहे हैं तो किस तरह की राजनीति से वो प्रेरित है मैं नहीं समझ पा रहा। अगर उनके पास नाम है सरकार को उनको देना चाहिए, आगे बढ़ के रखे आना चाहिए, अगर वो मीडिया पर नहीं बताना चाहते हैं क्या? सुब्रत जी, आप राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं, आइए बात करिए, बताइए, कार्रवाई ना हो तो आप कहिए, हमारे मामले आए, हमने कार्रवाई, मैं कह रहा हूँ कि
किसी को ठंडे मैं कह रहा हूँ गृह विभाग गोपन विभाग में आप सूची मंगा लीजिए, पत्रकार हैं, अगर ये गलत निकले तो अखबार में मेरे खिलाफ अपने अपने इंटरव्यू में मेरे खिलाफ छापिए। चलिए सर आप दोनों लोगों के पास आ रहा हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नावेश शिको जी भी जुड़े हुए हैं। नावेश शिको जी देखिए लगातार पूर्व डीजीपी भी इस बात को कह रहे हैं कि कई पुलिस अधिकारियों की ऐसी लिस्ट है जो सरकार के पास है और सरकार कह रही है भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल जाना चाहिए, तो जाएगा जेल कैसे जाएंगे वो? मैं सुब्रत जी आ रहा हूँ, आलोक जी आप दोनों लोगों के पास आ रहा हूँ, स्टूडियो में एक मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार है। मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और जो चर्चा में अभी आपकी सुन रहा था भारत समाचार पर, दो पैनलिस्ट जो आपस में बात कर रहे थे, इनकी बातचीत से लगा वाकई बहुत गंभीर मामला है और जिस वक्त इस सूबे के मुख्यमंत्री उस पर गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए, बहुत डिफेंड कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बुलाया है लेकिन आप बहुत बच बच के बोल रहे हैं। मैं बहुत बच के नहीं, मैंने बोलना शुरू किया, मेरी बात को आप समझिए। मैं समझता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगना चाहिए सर, तो भ्रष्ट अधिकारियों की जब उनके पास लिस्ट है, जब पूर्व डीजीपी इस बात को कह रहे हैं, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मैंने शुरू की, दो सेकंड भी तो मैंने अपनी बात नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि अधिकारियों को हर सरकार कहीं ना कहीं बचाती है, मौजूदा सरकार को भी इस शक के नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए हम दोनों नजरिए से बात कहना चाहिए। पहली चीज तो ये कि पुलिस की एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका होती है, समाज में एक बड़ा रोल होता है, लेकिन एक नकारात्मक भूमिका भी होती है। लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उसमें पुलिस भी जिम्मेदार है। मैं चंद अफसरों की बात कह रहा हूं, मैं सारे अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार अगर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार के ऊपर शक होता है, लगता है कि सरकार के साथ में मिली भगत होती है, अफसर भी ऐसी ताकत बन जाता है जो पॉलिटिकल कवर्स के ऊपर बचता आया है। वही सवाल उठ रहे हैं कि अगर दागदार लोग सामने आ गए तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आलोक जी आप हमारे साथ आए इस डिबेट में दोपहर बार की, आपका बहुत धन्यवाद सर। सुब्रत त्रिपाठी जी आपका बहुत धन्यवाद और नावेश शिको जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चीजों को समझना होगा कि आप कैसे ये तय करेंगे कि ये भ्रष्ट ऑफिसर है, और जब आपके पास भ्रष्ट ऑफिसरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है तो उसके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की और किस तरह का एक्शन लिया? जब तक एक कठोर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक वही चीज़ें रहेंगी जो पहले थी, यानी जो पूर्ववर्ती सरकार में चली आ रही थी वही स्थिति देखने को मिलेगी। आपको बहुत धन्यवाद दोपहर वार को देखने के लिए।